से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग और अर्थिंग के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका उसको हम लोग डिस्कस करेंगे देखिए सबसे पहले अर्थिंग होती क्या है तो देखिए हमने एक ये घर बनाया और घर के अंदर कोई किसी मशीन को हमने स्थापित किया है ठीक है ये क्या है मशीन है तो होता क्या है कि देखिए ये मशीन की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है मेटल की बनी होती है ये किसकी बनी होती है मेटल की बनी होती है मतलब धातु की और ये क्या होता है धारा का कुचाल कुचालक बोले चालक होता है सुचालक होता है तो और ये मशीन के ये जो अंदर होता है जो ये बाइंडिंग होती है अगर बाई चांस इस बाइंडिंग का इंसुलेशन फेल हो गया तो यहाँ से ये संपर्क हो जाएगा इसमें और इस धातु में भी क्या हो जाएगी कि करंट फ्लो होने लगेगी और जब कोई व्यक्ति क्या होगा इसको टच करेगा तो उस व्यक्ति को क्या लग सकता है शौक लग सकता है और वो क्या हो सकता है चोटिल हो सकता है या मर मर भी सकता है तो इसी से सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं इस मशीन की जो बॉडी होती है इस बॉडी से हम लोग क्या करते हैं एक वायर लेते हैं और उस वायर को हम लोग क्या करते हैं अर्थ कर देते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अर्थिंग अब होता है क्या इससे कि <coughs> अब देखिए इस अर्थ का रजिस्टेंस जो होता है इसका रजिस्टेंस जो होता है लगभग एक ओम के बराबर होता है ठीक है लगभग एक ओम से कम ही होता है एक ओम से ज़्यादा नहीं होगा लगभग एक ओम से क्या होता है कम ही होता है अब होता क्या है अब कोई मनुष्य होगा जाएगा ठीक अब जैसे कोई मनुष्य है अब जाएगा इस इस बॉडी को टच करेगा तो मनुष्य का जो रजिस्टेंस होता है उसका कितना होता है एक हजार होता है कितना होता है एक हजार ओम होता है तो जब ये बॉडी को टच करके मान लीजिए इसमें करंट आ रही है तो अब इस मनुष्य के बॉडी से करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये जो है ये एक रास्ता मिला है करेंट के लिए और इसका रजिस्टेंस का मान क्या है बहुत कम है तो हम इसको अगर टच भी करेंगे तो हमारे शरीर से कोई धारा नहीं फ्लो होगी और हम शौक से क्या हो जाएंगे बच जाएंगे और जो धारा जो आएगी वो कहाँ चली जाएगी ये इस रास्ते से होते हुए अर्थ में चली जाएगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अर्थिंग बोलते हैं तो सबसे कुल मिलाकर करने का मतलब ये है कि अर्थिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम किसी मनुष्य को हम लोग क्या करते हैं विद्युत आघात से या विद्युत झटके से बचाते हैं उसका तरीका हमने बता दिया तो अब देखिए होता क्या है कि अर्थिंग करने कुछ नियम है और नियम के बारे में हम लोग जानते हैं तो देखिए जो ये अर्थिंग होती है अगर ये घर हम बनाए हुए हैं तो इस घर से क्या होता है अर्थिंग की दूर, जो जो दूरी होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए वन पॉइंट फाइव मीटर कितनी होनी चाहिए वन पॉइंट फाइव मीटर होनी चाहिए ठीक है जो अर्थिंग करेंगे वो भवन से उसकी दूरी क्या होनी चाहिए कम से कम एक दशमलव पाँच मीटर होनी चाहिए उससे कम नहीं होनी चाहिए और देखिए जो ये वायर है ना ये वायर है ये वायर हो गया आपका और ये जो है आपका ये इलेक्ट्रोड हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग जमीन में क्या करते हैं स्थापित करते हैं ठीक है थीके? तो ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये क्या हो गया वायर तो इसका कंडीशन ये दोनों है कि अर्थिंग करते समय वायर और इलेक्ट्रोड दोनों के होना चाहिए सेम मटेरियल के होना चाहिए दोनों क्या होना चाहिए सेम मटेरियल के होने चाहिए दोनों का पदार्थ क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो देखिए इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं डिस्कस करते हैं और यही क्वेश्चन आपको पेपर में क्या होना चाहिए मिलते हैं बार बार देखने को तो देखिए पहला क्या बनता है भवन से अर्थिंग की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए डेढ़ मीटर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए कम से कम कितनी होनी चाहिए डेढ़ मीटर होनी चाहिए अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड का जो पदार्थ है वो क्या होना चाहिए सेम मटेरियल का होना चाहिए किसका होना चाहिए सेम पदार्थ जानना चाहिए वो हो, क्या होना चाहिए सेम पदार्थ दोनों का दोनों का जो मटेरियल सेम है अगर कापर है तो कापर होगा एलमोनियम है तो एलमोनियम होगा अगर जी वायर है तो इलेक्ट्रोड भी क्या होगा जी वायर का होगा अब देखिए अर्थ वायर की साइज़ जो होती है जो हम लोग अर्थ का वायर लगाते हैं उसकी साइज़ क्या होती है अगर कापर का हम लोग वायर लेते हैं तो उसकी साइज़ ये इंपॉर्टेंट है आपका पेपर में बार बार देखने को मिलता है अगर कापर का लगाते हैं तो उसके कापर की जो साइज़ होती है वो क्या होती है ये आपकी तीन एम एम स्क्वायर कितनी होती है तीन एम एम स्क्वायर या इसका जो वैल्यू होता है एच डब्ल्यू जी में कितना होता है चौदह एच डब्ल्यू जी मतलब जो अर्थ वायर लेंगे वो कभी भी तीन एम एम स्क्वायर या चौदह एच डब्ल्यू जी से कम नहीं होना चाहिए कब कब कौन से कंडीशन में कापर वाले कंडीशन में और दूसरा क्या है अगर जी आई वायर लेंगे जी आई वायर का मतलब गैलोनाइज आयरन इसका वायर अगर लेंगे तो उसका जो ब्यास होगा डायमीटर होगा वो कितना होना चाहिए छः एम एम स्क्वायर या एच डब्ल्यू जी में कितना होना चाहिए ग्यारह एच डब्ल्यू जी से कम नहीं होना चाहिए अगर ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्या हम देंगे तब अर्थ वायर की जो वैल्यू होगी फेज वायर की जो माप फेज वायर का जो व्यास है उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए मतलब कि अगर फेज वायर का माप कितना है मान लीजिए कि अगर दस एच डब्ल्यू जी है एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसका जो अर्थ वायर का जो वैल्यू होगा वो फाइव एच डब्ल्यू जी से कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो हमेशा जो फेज वायर की माप से क्या होना चाहिए अर्थिंग जो वायर है उसकी वैल्यू आधे से कम नहीं होना चाहिए ठीक है अगला जो क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोड को कैसे रखते हैं जैसे इलेक्ट्रोड हम लोग लेंगे तो इलेक्ट्रोड को ये हॉरिजेंटल हो गया मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है तो ये इसको बोलते हैं ऐसे अगर रखते हैं तो इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं और इसको ऐसे रखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं तो इलेक्ट्रोड को हमेशा हम लोग क्या रखते हैं वर्टिकल पोजिशन में रखते हैं किस पोजिशन में रखते हैं वर्टिकल पोजीशन में हमेशा हाँ इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाता है वर्टिकल पोजीशन में अगला क्वेश्चन आपसे इसमें देख पूछता है जो इलेक्ट्रोड की गहराई होती है जो इलेक्ट्रोड को हम जमीन में गाड़ते हैं उसकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है एक दसमलव दो पाँच मीटर से ध्यान दीजिएगा ये मीटर है मीटर से कम नहीं होनी चाहिए मतलब इलेक्ट्रोड को ज़मीन में हम लोग क्या करते हैं कम से कम एक दसमलव दो पाँच मीटर ज़मीन के अंदर स्थापित करते हैं अब ये हो गया देखिए ये ये तो आपको याद हो जाएगा लेकिन ये देखिए ये ध्यान दीजिएगा ये वाली बात जो है अगला पॉइंट अर्थ वायर भी जो अर्थ का वायर है जी जो मान लीजिए वायर लाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं एक जीआई पाइप के अंदर लाते हैं ठीक है जीआई पाइप के अंदर लाते हैं और इस जीआई पाइप का जो व्यास है इसका जीआई जो पाइप है उसका जो व्यास है वो कितना होता है बारह दशमलव सात एम एम में कितना है बारह दशमलव सात एम में और इसको भी जमीन के अंदर कुछ दूर रखते हैं क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इसको कोई भी आएगा टच करेगा तो हिल जाएगा तो इसको भी क्या कहते हैं ज़मीन के अंदर कुछ स्थापित करते हैं और ज़मीन के अंदर कितना स्थापित करते हैं ये ज़मीन के अंदर स्थापित करते हैं आपका ये जो ज़मीन के अंदर स्थापित करते हैं वो कितना होता है तीस दशमलव पाँच सेंटीमीटर तो इसका ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं अर्थ वायर को जीआई पाइप्स के अंदर से लाते हैं और जी पाइप जी आई पाइप का साइज कितना होता है बारह दशमलव सात एम एम ठीक और उसको भी हम लोग क्या करते हैं अर्थ के अंदर कितना रखते हैं तीस दशमलव पाँच सेंटीमीटर कितना रखते हैं तीस दशमलव पाँच सेंटीमीटर तो देखिए यही हमने लिखा हुआ है अर्थ वायर भी ज़मीन में कम से कम तीस दशमलव पाँच सेंटीमीटर नीचे बारह दशमलव सात एम एम ब्यास के जी पाइप से ले जाना चाहिए ठीक है अगला देखते हैं अब पूछता है कि वैल्यू कितनी होती है अर्थ की जो रजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है अलग अलग जगहों में वैल्यू थोड़ा क्या होती है चेंज होती रहती है तो पहला होता है एक बड़ा सब स्टेशन है मतलब पावर स्टेशन है एक बड़ा विद्युत पावर स्टेशन है तो वहाँ पर अर्थ की रजिस्टेंस कितना होना चाहिए कितना हो जाए पॉइंट फाइव ओम होना चाहिए ये क्वेश्चन आपका बार बार पेपर में पूछ रहा है कितना हो जाए पॉइंट फाइव ओम और अगर स्मॉल पावर स्टेशन है तो वहाँ पर कितना होना चाहिए एक से दो ओम कितना होना चाहिए एक से एक ओम से लेकर दो ओम तक होना चाहिए और जो डोमेस्टिक हमारे घर घरेलू घरेलू में हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग उसमें कितना कितना होना चाहिए एक ओम होना चाहिए कितना होना चाहिए एक ओम और जो पथरीली वाली जगह होती है जहाँ पहाड़ों वहाड़ों वगैरह में तो वहाँ पर कितना होता है छः ओम से लेकर आठ ओम तक और अन्य अगर नॉर्मल पूछता है तो कितना लगाएंगे ढाई ओम से पाँच ओम मतलब दो दशमलव पाँच ओम से लेकर दो दशमलव पाँच ओम से लेके पाँच ओम तक ठीक है तो ये हो गया आपका अर्थिंग की वैल्यू अलग अलग जगहों में अलग अलग, अलग, अलग लेते हैं और अगर पूछता है कि आइडियल अर्थिंग जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है तो देखिए आइडियल गैस में हम लोग क्या करते हैं अर्थिंग की वैल्यू क्या लेंगे अर्थिंग का रजिस्ट्रेशन क्या लेंगे कम से कम लेंगे और आइडियल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा ये जीरो ओम हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो ओम अर्थिंग का मान जितना कम लेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होता है अच्छा होता है तो आइडियल की कंडीशन में कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा और अगला एक पॉइंट इसमें बच रहा है ओवर लाइन में धातु पोल को जो ओवर लाइन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं धातु की पोल यूज करते हैं उसको अगर एक दसमलव छह किलोमीटर अगर एक दसमलव छह किलोमीटर है तो उसे कम से कम क्या करना चाहिए चार जगहों पर अर्थिंग करनी चाहिए उसमें कम से कम क्या करना चाहिए चार जगहों पर अर्थिंग करना चाहिए तो ये हो जाएगा अर्थिंग के कुछ पॉइंट अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अर्थिंग के प्रकार कितने टाइप के अर्थिंग के प्रकार होंगे तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा धन्यवाद जय हिंद